हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मेक टेक सोल्यूशन। चलिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं फोर्स सिस्टम के बारे में। तो फोर्स सिस्टम को पढ़ने से पहले हम थोड़ा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। इंट्रोडक्शन में हम जानेंगे कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या है। देखिए, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की जब हम बात करते हैं तो हम जानते हैं कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हमारा एक फिजिक्स का ही ब्रांच है। मीन्स कि फिजिक्स में हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के थोड़े पार्ट को पढ़ते हैं, बट इंजीनियरिंग में जब हम यहाँ आते हैं तो मैकेनिक्स को डीप में पढ़ते हैं। तो फिजिक्स क्या है? देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फिजिक्स क्या है। देखिए, फिजिक्स मान लीजिए कि हमारी कोई एक बॉडी है। अब बॉडी के बाहर इसका कोई ना कोई एक इन्वायरमेंट होगा, तो ये इन्वायरमेंट इस बॉडी पर कोई ना कोई इफेक्ट डाल रहा होगा। कुछ ना कुछ तो इफेक्ट पड़ रहा होगा और बॉडी भी इन्वायरमेंट पे कोई ना कोई इफेक्ट डाल रही होगी, जिसके कारण कि इन दोनों के बीच एक फिजिकल एक्टिविटीज होती है, जिसे ही हम फिजिक्स कहते हैं। मींस फिजिकल एक्टिविटी मींस इसके साइज, शेप, मटेरियल, इन दोनों के कारण कोई ना कोई इस पर इफेक्ट पड़ रहा होगा, इन्वायरमेंट पर भी और बॉडी पर भी। इस एक्टिविटीज को ही हम फिजिक्स कहते हैं। बट अगर हम मैकेनिक्स की बात करते हैं तो मैकेनिक्स में केवल हम इसमें फोर्स के बारे में जानते हैं, केवल फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, तो मैकेनिक्स कहलाता है। मींस हमने क्या कहा, मैकेनिक्स इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स, जहां पर हम फिजिकल एक्टिविटीज की बात करते हैं, बॉडी और एनवायरमेंट के साथ, बॉडी टू इन्वायरमेंट या इन्वायरमेंट टू बॉडी। ठीक है, अब देखिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बात कर लिए। अब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा स्टैटिक जो रेस्ट में होता है, एक होता है हमारा डायनेमिक जो मोशन में हम बात करते हैं, तो पहले हम स्टैटिक के बारे में जानते हैं। देखिए, स्टैटिक में हमने क्या कहा कि हम बॉडी को रेस्ट में रख के बात करते हैं। मींस बॉडी हमारी रेस्ट में रहती है, बॉडी इन रेस्ट। रेस्ट मींस मान लीजिए हमारी कोई ये बॉडी है, किसी सरफेस पे बॉडी रखी गई है, तो ये बॉडी इस प्लेन पे कोई ना कोई अपना वेट तो लगा रही होगी W, एंड ये प्लेन भी इस बॉडी पर कोई एक रिएक्शन फोर्स उतना ही वेट के बराबर अप्लाई कर रहा होगा, जो आर होगा, जो अपोजिट डायरेक्शन में है। इस पर कोई ना कोई एक वेट W लग रहा होगा और इस पर एक आर रिएक्शन इसका अप्लाई हो रहा होगा, जो कि इसके कारण हम अगर इक्विलिब्रियम में रखते हैं तो आर इक्वल W होगा। मान लीजिए हम इस बॉडी पर कोई एक पी फोर्स अप्लाई करते हैं, इस पी फोर्स के कारण हमारी बॉडी में कोई ना कोई एक फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होगा, जिसे हम F बोल देते हैं। ये P बराबर भी F हो जाएगा। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होने का मतलब ये है कि इस पे लगने वाले सारे फोर्सेस जीरो हो जाते हैं। मींस कि इस पे लगने वाले सारे फोर्स इक्विलिब्रियम में होते हैं, इसे हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक है। अगर हम यही डायनेमिक की बात करते हैं तो डायनेमिक इन मोशन में हमने कहा कि बॉडी इन मोशन। देखिए, डायनेमिक में मोशन के आधार पर भी हम डायनेमिक को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हमारा होता है काइनेमेटिक, एक होता है हमारा काइनेटिक। काइनेमेटिक और काइनेटिक क्या है? देखिए, काइनेमेटिक में हम केवल केवल ओनली और ओनली मोशन की बात करते हैं, जहां पर फोर्स हमारे इक्वल बैलेंस रहेंगे। बट काइनेटिक की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर हम मोशन के साथ साथ फोर्स की भी बात करते हैं, मोशन प्लस फोर्स, इन दोनों की बात करते हैं। जैसे अभी थोड़े डिटेल में पढ़ेंगे हम। हमने कहा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। एक हमारा होता है स्टैटिक, एक होता है हमारा स्टैटिक, एक को हमने डिवाइड किया डायनेमिक, और इस डायनेमिक को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। एक हमने लिखा काइनेमेटिक और एक को हमने दिया काइनेटिक। ठीक है, काइनेटिक। देखिए,
मान लीजिए कोई एक बॉडी है इस प्लेन पे रखी हुई है, इसका वेट कोई ये बॉडी है इस प्लेन पे रखी है, इसका वेट W जो नीचे की ओर लग रहा होगा, इस पे वेट के कारण एक अपोजिट रिएक्शन R लग रहा होगा। मान लीजिए हम इस पे कोई फोर्स P लगा रहे हैं, इस फोर्स के बराबर कोई ना कोई एक फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होगा जो F होगा। मीन्स हमने क्या कहा कि R इक्वल W हो जाएगा, P इक्वल F हो जाएगा, मीन्स टोटल फोर्स जीरो। अब इस बॉडी पर अगर टोटल फोर्स जीरो हो जा रहा है तो बॉडी हमारी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में हो रही है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में हो रही है, इसे हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। ठीक है, अब टोटल फोर्स के साथ साथ अगर टोटल मोमेंट भी हमारा जीरो हो जा रहा है तो हम उसे स्टैटिक इक्विलिब्रियम में मान लेते हैं। बट अगर हम डायनेमिक की बात करते हैं तो डायनेमिक की बात करते हैं, कोई हमारी एक बॉडी होगी, इस बॉडी को हम किसी प्लेन पे रख देते हैं और इस पर इसका वेट W, रिएक्शन फोर्स R और इस पे कोई फोर्स P लग रहा है, इसके का अपोजिट एक अपोजिट फ्रिक्शनल फोर्स F लग रहा है। तो देखिए हम जब काइनेमेटिक की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि इस पे डायनेमिक की बात करते हैं तो इसमें टोटल फोर्स जो होता है वो इक्विलिब्रियम में ना होके, इक्विटेड ना होके कोई ना कोई हमें एक मोशन दे रहा हो। मीन्स कि इस फोर्स के कारण हमें कोई ना कोई एक मोशन, हालांकि फोर्स हमारा इक्विलेट होगा बट इसके कारण कोई ना कोई हमें एक मोशन मिल रहा होगा जिसे हम डायनेमिक मोशन कहते हैं, डायनेमिक कहते हैं। मीन्स सिग्मा एफ माइनस, अगर हम इसको एमए को इधर लाएं, सिग्मा एफ माइनस एमए इक्वल जीरो, जिसे हम इसी इक्वेशन को हम डायनेमिक इक्वेलिबेरियम या डायनेमिक इक्वेशन कहते हैं, इसे हम डायनेमिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, इसे ही हम अगर इसे ही हम डी एलम्बर्ट इक्वेशन भी कहते हैं। बट एक केस ऐसा आता है जहां पर हमारे फोर्स और एम ए जो हमारा इनर्शिया फोर्स मिल रहा है वो जीरो के बराबर नहीं होता है, तब हमारा वाइब्रेशन क्रिएट होता है। इस वाइब्रेशन को हम बाद में पढ़ेंगे, इसका इफेक्ट क्या होता है आज आज की क्लास के लिए इतना।